हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड हेल्थ चैनल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि आज आयुर्वेद की वन ऑफ द मेन जो सबसे श्रेष्ठ वनस्पति है उस पर हम लोग एपिसोड कर रहे हैं। ये पीछे जो नज़र आ रहा है ये पीपल का पेड़ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जड़ी बूटियों के बीज चाहिए तो कुछ कुछ जड़ी बूटियों के बीज मैं vishalsathe.me पे प्रोवाइड करने लगा हूं, और इसमें हम लोग बहुत ही तेज़ी से इसमें और सीड्स ऐड भी कर रहे हैं। आपको कुछ जड़ी बूटियों की सीड्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद में सबसे जो श्रेष्ठ वनस्पतियाँ हैं वो है वर्ड और पीपल। एक्चुअली बहुत ही हम लोग अलग अलग दुर्लभ वनस्पतियों के पीछे भागते रहते हैं, और पिछले 2 साल से उनके पीछे एपिसोड किया है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो सबसे जो श्रेष्ठ है वर्ड और पीपल, उस पर अभी तक हम लोगों ने एपिसोड नहीं किया था, और वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पीपल का पेड़ है, और ये अभी पूरे अपने फलों से लदा हुआ है। ज़रा दिखाइए, इस तरह का नज़ारा काफ़ी कम नज़र आता है, बिकॉज प्रदूषण के कारण आजकल जो पीपल के पेड़ होते हैं उनको इतने फल नहीं लगते हैं। ये आप अगर देखेंगे तो इसमें पूरे इसके पत्ते झड़ चुके हैं, और ये पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो फलों से लदा हुआ है। अभी मैं यहाँ पर जो बैठा हुआ हूँ, ऊपर से फलों की बारिश हो रही है, और इसके फल पक गए हैं और पक के ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और जहाँ गिर रहे हैं तो ये इतने पके हुए हैं इसके फल कि एक तरह से ये कपड़ों को भी ख़राब कर रहे हैं। पैर गिर रहे हैं तो पैर भी चिपचिपे हो रहे हैं, और बहुत सारे इस पर आप देख नहीं पा रहे होंगे शायद, लेकिन छोटे छोटे पक्षी हैं जो कि इसके फल खा रहे हैं। अगर ऊपर देखें तो नज़र आ रहा है एक्चुअली कि छोटे छोटे पक्षी और कौवे भी आ करके इसके फल खा खा करके उड़ रहे हैं। ये कमाल का नज़ारा है जो कि आजकल काफ़ी कम नज़र आता है। पीपल का बहुत ही ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस, ये देखिए मेरी पैंट भी ख़राब हो गई है, आप अगर देखें ये फल पक पक करके गिर रहे हैं और पूरे मेरे कपड़े ख़राब कर रहे हैं। ये तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है, ये इस तरह का बहुत कम नज़र आता है, बिकॉज आजकल इतना प्रदूषण है कि इस तरह से एक्चुअली ये पेड़ अपने फुल बाहर में आ नहीं पाते हैं। मैंने भी इस तरह के पेड़ कम देखे हैं पीपल के, यूजुअली उसे फल लगते हैं आजकल पीपल के पेड़ को, लेकिन इतने हद से इतने पूरे बाहर में नहीं लगते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह पे, ये थोड़ा प्रदूषण से दूर है ये लोकेशन, इसलिए मेरे ख्याल से ये इस तरह से है। तो पीपल का जो वृक्ष है इसका बहुत ही पौराणिक कथा, पौराणिक अपने हिस्ट्री में भी बहुत सिग्निफिकेंस है। हमारे पुरखों ने बहुत सालों से, हज़ारों लाखों सालों से इसका सेवन करते आए हैं, और इसकी महत्ता बहुत सारे शास्त्रों में भी बताई गई है। एस्पेशली गीता में भी एक श्लोक है जहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं खुद की महत्ता। उसमें एक श्लोक है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सारे जो भगवान हैं सभी भगवानों में भी, सब महाशक्तियों में भी मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स देकर के एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर मैं पांडवों की बात करें, और अगर आप पांडवों में गिनें तो मैं अर्जुन हूँ। अगर सारे अलग अलग महाशक्तियाँ अगर उसकी बात करें तो उसमें भी मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वैसे ही एक श्लोक में वो ये कहते हैं कि अगर हम जड़ी बूटियों की बात करें, अलग अलग पेड़ों की बात करें, तो उसमें मैं पीपल हूँ। उसमें संस्कृत में कुछ ऐसा शब्द यूज़ किया है जिसका कुछ लोग मीनिंग निकालते हैं कि मैं वर्ड का पेड़ हूँ,
और कुछ लोगों का मानना है कि उस शब्द का मीनिंग होता है कि मैं पीपल का पेड़ हूँ। तो गीता में भी कृष्ण भगवान ने इसका इम्पोर्टेंस समझाया है, और इसमें डिस्प्यूट की कोई बात नहीं है, चाहे उस शब्द का कोई भी मीनिंग निकले, दोनों ही वर्ड का पेड़ हो चाहे पीपल का पेड़ हो, दोनों ही महान वृक्ष है। मेरा पर्सनल मानना है कि वर्ड और पीपल ये सबसे सबसे बेस्ट, इसमें नंबर वन या नंबर टू नहीं किया जा सकता है, ये सबसे बेस्ट नंबर वन जड़ी बूटियाँ है ये। और इसकी महत्ता इससे भी लगाई जा सकती है, समझी जा सकती हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे हजारों लाखों करोड़ों तपस्वियों ने सिद्धि प्राप्त की है। तो ये मेडिटेशन करने के लिए भी ये वृक्ष अति उत्तम है। ये वृक्ष की ये क्वालिटी है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ये वातावरण को भी शुद्ध करता है। इसकी जड़ें जब ज़मीन में जाती हैं तो ये जो ज़मीन है उसको भी शुद्ध करती है, और ज़मीन में जो पानी है उसको भी शुद्ध करता है ये। इसके अगर आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये विषनाशक होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये कीटाणुनाशक होता है, और ये पौष्टिक होता है। तो अब इसके फायदे देख लेते हैं। ये इसके मैं आपको ज़्यादा पहचान क्या कर रहा हूँ, पीपल को वैसे तो सभी जानते हैं, पीपल को कौन नहीं जानता है। इसके मैं आज आपको फल खा के नहीं दिखाऊंगा, इसके पत्ते भी खा करके नहीं दिखाऊंगा। उसके पीछे एक कारण है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में निवृत्ति का वास होता है। निवृत्ति जो है वो एक फीमेल महाशक्ति है, एक माता है, जो कि दरिद्रता को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें निवृत्ति का वास होता है, और निवृत्ति जो माता है, निवृत्ति जो महाशक्ति है, वो लक्ष्मी माता की बहन मानी जाती है। तो रविवार को ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता जो है वो निवृत्ति माता को मिलने आती है। तो अगर आपको इसके पत्ते अगर तोड़ने हैं या फिर इसके फल तोड़ने हैं तो आप रविवार को तोड़ सकते हैं, बिकॉज तब इसमें निवृत्ति के साथ साथ लक्ष्मी माता का भी वास होता है। तो रविवार को छोड़ करके ऐसा माना जाता है कि किसी भी दूसरे दिन इसके पत्ते या इसके फल या कुछ भी इसका तोड़ा नहीं जाता है। तो आज अनफॉर्चुनेटली शनिवार है, इसलिए मैं आपको ये इसके अदरवाइज मैं आपको इसके फल खा करके दिखाता। इसके ये टोटली ये बहुत ही सात्विक पेड़ है, आप इसके फलों का बिंदास से सेवन कर सकते हैं, इसके पत्ते खा सकते हैं, और इससे फ़ायदा ही फायदा होता है शरीर को। और आप अगर ध्यान से देखें तो इसको अभी बहुत ही कोपले लगी है। कोपले का मतलब होता है इसके एकदम फ्रेश जो पत्ते होते हैं उसे कोपले कहते हैं। तो आप अगर देखें यहाँ पे भी अभी इस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और इसको नए नए पत्ते लग रहे हैं। ये जो नए पत्ते होते हैं, जो नए कोपले इसे कहते हैं, ये कैंसर में बहुत ही काम के होते हैं। तो अगर कैंसर का प्रॉब्लम है, कोई पीड़ित है कैंसर से, तो इसके जो एकदम नए नए पत्ते हैं उसका अगर सेवन करते हैं तो कैंसर में बहुत चमत्कारी लाभ होता है। ये देखिए, ये इसके है ना कोमल जो पत्ते हैं वो इस तरह से गिर जाते हैं नीचे, इसे पीपल के कोपले कहा जाता है। ये एक्चुअली नीचे गिरे हुए कोपले उठा लिए जाते हैं, और कुछ संस्थाएं हैं वो एक्चुअली ये कोपले इस तरह से लेकर के इसका चूर्ण बना करके और प्रोवाइड भी करते हैं। ये कोपले खाए जाते हैं, ये कैंसर को बड़े ज़बरदस्त है, ये कैंसर में ऐसे ये नीचे गिर जाते हैं सब जगह में। यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये ऐसे बहुत सारी कोपले गिरने लगी है नीचे,
ये इसको लेकर के लोगों को हमेशा ये होता है कि पीपल की कोपले ये तो सुना है, लेकिन पीपल की कोपले होता क्या है? तो उसके ये कोमल पत्ते होते हैं जो कि बहुत ही कोमल अवस्था में नीचे गिर जाते हैं, उसे पीपल के कोपले कहते हैं। इसका ये नीचे गिरा हुआ फल था जिसको खोल करके मैं खा रहा हूँ। ये देखिए इसमें बीज, बहुत सारे बीज अंदर नीचे, ये काफ़ी गूलर के उसके जैसे है एक्चुअली। इसका ये गोल फल है, उसको मैं खोल करके ऐसा स्ट्रेट किया है। अंदर ये जिस तरह से गूलर के बीज होते हैं छोटे छोटे, इसके बीज के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और ये बहुत चिपचिपा है। खाने में बहुत मीठा है, ये बहुत अच्छा है और ये ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी बैक्टीरियल है। ये शिरो रोग में बहुत ही अच्छा काम करता है। ऊपर से शुरुआत करते हैं तो अगर आपको आँखों में प्रॉब्लम है, आजकल मोबाइल ब्राउज करते हैं हम लोग और बहुत ही आँखों का अब्यूज़ करते हैं, ऐसे में आँखों को नीचे से स्वेलिंग आ जाती है काफ़ी बार, बहुत अति कर डाले तब, यहाँ से साइड से स्वेलिंग आती है, आँखें लाल हो जाती हैं और तरह तरह के आँखों के प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसे में मैं बहुत प्रैक्टिकल केस जो मुझे पता है, मैंने प्रयोग किया है कुछ लोगों पे और उस प्रयोग में चमत्कारी फायदे आए हैं सामने, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आँखों का कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो इस तरह से ओवर अब्यूज़ के कारण, ऐसे में आप इसके सुबह कोमल पत्ते तोड़िए रविवार को और सुबह रविवार को आप 5 पत्ते इसके चबा चबा के खाइए कोमल पत्ते, और रविवार को आप शाम को इसके 5 पत्ते खाइए। रविवार को रात तक आपकी आंखें मोबाइल ब्राउजिंग से जो भी आपको नुकसान हुआ होगा, एकदम इतना भी अगर खराब आपकी आंखों की स्थिति हो गई हो कि आपको ऐसा लगता हो कि यार मुझे अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, स्वेलिंग से भरपूर हो गई हो, सब जगह तरह जगह से स्वेलिंग हो गया हो, आंखें लाल हो गई हो, बहुत ही ख़राब हालत हो गई हो, सिर्फ मैंने जो प्रयोग बताया, सुबह 5 पत्ते रविवार को, शाम को 5 पत्ते, रात तक आपके आंखें 100% ठीक हो जाएंगी। और नीचे आते हैं, ये कफ में भी बहुत काम का है। इसमें इसकी छाल ली जाती है, छाल को दूध में उबाला जाता है, 5 ग्राम छाल लेकर के दूध में उबाल करके अगर पीते हैं तो कफ ठीक होता है। मैंने मेरे पिछले एपिसोडों में भी ये बात समझाई है कि जो भी वनस्पतियाँ जैसी दिखती है उनमें वो गुण होते हैं और वो गुण देने में समर्थ होती हैं। आप पीपल के पत्ते अगर देखें तो वो हमेशा चमकीले होते हैं, तो बेर के पत्तों की तरह या फिर जामुन की पत्तों की तरह ये पीपल के पत्ते भी स्किन को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। अगर आप पीपल के पत्ते रेगुलरली खाते हैं, रविवार को तोड़िए इसको और किसी दिन मत तोड़िए, और इसके कोमल पत्ते तोड़ करके फ्रिज में रख दीजिए और 5-5 पत्ते इसके हर रोज़ खाइए। काफ़ी बार लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो 1 या 2 पत्ते हर रोज़ आप सेवन कीजिए, उससे आपकी स्किन जो है, चर्म विकार सारे आपके दूर हो जाएंगे। अगर कोई आपको चर्म विकार है तो पत्ते खाइए, साथ साथ में पत्तों की आप चटनी बना करके भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपके हर तरह के चर्म विकार दूर होंगे। और इसके पत्तों का अगर आप चबा चबा के नहीं खा सकते हैं तो उसका काढ़ा बना करके पीजिए। काफ़ी प्रयोगों में सामने आया है कि अगर आपको हार्ट डिसीज़ है, बिकॉज इसके पत्ते जो है वो आप देखें तो हार्ट शेप्ड होते हैं, तो जैसे मैंने बताया ये फंडा है कि जो चीज़ जैसे नज़र आती है उसमें वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो पीपल के पत्ते अगर 5 पत्ते आप उबाल करके 2 ग्लास पानी में, आधा ग्लास बच जाए तब ठंडा करके छान करके अगर पीते हैं दिन में 2 बार, तो आपके हार्ट के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो 15 दिन में दूर हो जाते हैं और आपका हार्ट का फंक्शन जो है वो बहुत ही चमत्कारी ढंग से सुधर जाता है। तो ये भी इसका कमाल का इसका फ़ायदा है और ये पेट के भी सारे विकार दूर करता है। अगर पेट का भी कुछ प्रॉब्लम है तो इसी तरह से आप काढ़ा पीजिए या इसके पत्ते आप चबा चबा के खाइए, तो पेट के हर तरह के जो विकार होते हैं, पेट में अगर कीड़े हो या फिर संग्रहणी का आपको प्रॉब्लम हो या फिर आपको जो आव होता है उसका प्रॉब्लम हो, हर तरह के पेट के विकार भी दूर होते हैं। इसके अलावा ये लीवर के लिए भी बहुत ही लाभकारी है।
अगर लसोड़े के पत्ते जो होते हैं, 5 पत्ते लसोड़े के लीजिए, 5 पत्ते पीपल के लीजिए, कोमल पत्ते दोनों के लेकर के अगर चबा करके आप खाते हैं, इस तरह से अगर आप 15 दिन खाते हैं तो लीवर के भी परेशानी जो होती है उसमें ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। स्पेशली जो पीलिया होता है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाता है। पीपल के वैसे तो अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ प्रमुख फ़ायदे बता रहा हूँ। ये स्पेशली पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ही उस जो भी सेक्सुअल विकार होते हैं उसमें, उसके लिए ये एकदम रामबाण है। इसके जो फल नज़र आ रहे हैं, अभी ये पूरा फलों से लदा हुआ है, ये फल तोड़ी है, और इन फलों का अगर आप 5 ग्राम सेवन करते हैं, पुरुष अगर सेवन करते हैं तो शुक्राणु दूर बढ़ते हैं बहुत ही तेज़ी से, और हर तरह के जो उनके सेक्सुअल विकार होते हैं वो दूर होते हैं। महिलाओं को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, अगर टेस्ट भी अगर सारे सही आ रहे हैं लेकिन उनको गर्भ ठहरने में किसी कारण से गर्भ ठहर नहीं रहा है, तो महिलाएं अगर इसका 5 ग्राम फलों का सेवन करती हैं 10-15 दिन भी, तो बंधत्व का जो प्रॉब्लम होता है वो इससे दूर होता है। इसके लिए ये रामबाण है। और भी महिलाओं में ये ब्लीडिंग को भी रोकने वाली वनस्पति है, तो हर तरह का ब्लीडिंग ये दूर करती है, रोकती है। और जो प्रदर रोग है, श्वेत प्रदर हो या रक्त प्रदर हो, इसमें ये कमाल का काम करता है। और हर तरह के जो सेक्सुअल इन्फेक्शंस है, इसमें भी इसका सेवन करने से हर तरह के जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो, कुछ भी तरह के योनि के भाग में या लिंग में अगर दाने हो रहे हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, सफ़ेद सफ़ेद कोई प्रॉब्लम हो, ये हर तरह के कीटाणु को भी नाश करता है, हर तरह के STDs भी ये दूर करता है। वैसे अनगिनत फ़ायदे हैं, मैं कहते जाऊंगा तो भी पता नहीं है वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। ये इनफैक्ट विषनाशक है, तो ये सर्पविष में भी बड़ा काम का है। सर्पविष में स्पेशली कहा जाता है कि इसके पत्ते तोड़िए, इसमें पत्तों के पीछे जो लंबी डंडी होती है, वो डंडी जो होती है इसकी, जो सर्पविष से दंशित आदमी होता है, मरीज होता है, उसके कान में वो डंडिया पत्तों की डाली जाती है। ऐसे में ये कान के अंदर पत्ते खींचने लगते हैं, खींचने लगे तो वो पत्ते खींच लेने चाहिए और फेंक देने चाहिए, वापस 2 पत्ते लेने चाहिए, उसके पीछे की डंडिया कान में डालनी चाहिए, तो वो खींचने लगती है, खींच करके उन पत्तों को फेंक देना चाहिए। ऐसे 10-15 बार 20 बार 25 बार इस तरह से वो पत्ते बदल बदल करके, और तब तक करते रहना है जब तक कि ये पत्ते खींचना कान में बंद ना हो जाए। उसके बाद कहा जाता है कि सर्पविष उतर जाता है और जो पत्ते हैं वो जहरीले हो जाते हैं, उन पत्तों को निकाल करके कहीं दूर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, बिकॉज वो जहरीले हो जाते हैं पत्ते। और माना जा ऐसा कहा जाता है कि सर्पविष इस तरह से दूर हो जाता है। उसके बाद आप ये प्राथमिक चिकित्सा करके और उसके बाद तुरंत आप हॉस्पिटल ले जाए मरीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीपल पे मैं और भी एपिसोड करूँगा, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं, और किसी एपिसोड में मैं और भी इसके फ़ायदे आपको डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।